हेलो दोस्तों, लेट्स स्टडी टुगेदर पे आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ आरएएस एग्जाम 2018 का डिस्कशन करने वाला हूं। जैसा कि अभी न्यूज़ में भी है, लगभग 1050 वैकेंसीज गवर्नमेंट निकालने वाली है, आरपीएससी निकालने वाली है। और एग्ज़ाम जैसे कि 2017 में कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ था, तो उसकी सीट्स भी 2018 में जोड़ दी गई है और लगभग 1050 वैकेंसीज आने वाली है, जो कि बहुत हाई वैकेंसीज के हम कह सकते हैं। अब हम बात करें कि सबसे पहले दोस्तों के मन में ये होता है कि राजस्थान के बेस कितने, स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस कितने पूछे जाने हैं। तो 150 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में टोटल पूछे जाएंगे, और 200 मार्क्स का ये पेपर होगा। 150 क्वेश्चन, 200 मार्क्स का पेपर होगा। 3 घंटे का पेपर होता है ये एक 3 घंटे का पेपर होता है, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 1/3 रखी गई है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं 2012 के अंदर स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस कितने पूछे गए। तो कल्चर और हिस्ट्री, कल्चर हिस्ट्री जैसे कि हिस्ट्री का एक पार्ट बोल सकते हैं कल्चर को, तो उसके अंदर हमारे लगभग 18 क्वेश्चंस राजस्थान रिलेटेड कल्चर और हिस्ट्री से पूछे गए हैं। फिर हम भूगोल की बात करते हैं, जो कि भूगोल प्लस एनवायरमेंट एनवायरमेंट दोनों को कवर करता है। इसके लगभग कहें तो 15 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं 2012 में। फिर पॉलिटी, पॉलिटी और स्कीम्स दोनों की कंबाइंड बात करता हूँ यहाँ पे मैं, तो लगभग 11 क्वेश्चन यहाँ पूछे गए। फिर कमिटीज, जो कि ये प्रदर्शित करती है कि स्टेट के अंदर कितना विकास हुआ है, खेलों को कितना बढ़ावा दिया जाना चाहिए, या फिर अदर अदर इश्यूज पर जो कमिटीज बनती है, वो उस पर लगभग 6 क्वेश्चंस पूछे गए, जो कि एक भारी संख्या हम कह सकते हैं। अर्थव्यवस्था, इसके 3 क्वेश्चंस यहाँ पूछे गए एग्जाम में। और इसके अलावा अर्थव्यवस्था प्लस बजट और करंट अफेयर्स भी बोल सकते हैं हम, जिसको बजट और करंट अफेयर्स, जो कि राजस्थान बेस्ड होते हैं, कि कौन किसने कौन सा गेम जीता और ये गेम कौन खेलता है, हमारे कितने प्लेयर्स गए यहाँ पे ओलंपिक में, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो लगभग 8 से 10 क्वेश्चंस यहाँ पे हमें देखने को मिले। तो ये हमारा एक तरह से मोटा मोटा हम बोल सकते हैं कि लगभग 50, 55 से 60 के आसपास यहाँ क्वेश्चन राजस्थान बेस्ड पूछे गए। 2013-15 की बात करते हैं, तो 13 वाला एग्जाम जो था वो 15 में जाके कंडक्ट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कुछ करप्शन के चार्जेस लगे थे और यहाँ पे पेपर लीक भी हुआ था, आपको पता हो तो। 2015 में जो एग्जाम हुआ, लगभग उसमें 50 से 55 क्वेश्चंस राजस्थान बेस्ड थे। फिर हम 2016 की बात करते हैं, जो कि लास्ट ईयर हुआ, और उसका रिजल्ट इन्होंने सबसे पहले एकदम एक साइकिल में निकाला। केवल 1 महीना डिले था कि इंटरव्यूज के लिए, वही केस के चलते। तो 2016 में पूछे गए क्वेश्चंस में हिस्ट्री और आर्ट कल्चर के अंदर लगभग 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और भूगोल के अंदर जो है, फिर से हम बोल सकते हैं कि 15 क्वेश्चन भूगोल और एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। पॉलिटी में लगभग 12 क्वेश्चन राजस्थान बेस्ड थे। इसमें पॉलिसीज अलग बोल सकते हैं, लगभग 8 क्वेश्चन के आसपास पॉलिसी और स्कीम्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे। कमिटी, फिर से कमेटी का एक रोल प्ले हुआ, 5 क्वेश्चंस जो कमेटी बेस्ड थे। और राजस्थान की इकोनॉमी और बजट से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस थे। और मिसलेनियस, जो हम बोल सकते हैं कुछ करंट अफेयर्स प्लस बजट, या जो हमारे सुजस स्पेशल बुक आती है, वहां से लगभग 8 क्वेश्चंस के आसपास क्वेश्चन पूछे गए। तो इसको अगर हम सम करें, तो ये भी हमें लगभग 62 से 62 क्वेश्चन से 65 क्वेश्चन की तरफ लेके जाता है, जो कि राजस्थान बेस्ड क्वेश्चन थे। तो अब मैं अदर स्टेट वालों को कहना चाहूंगा कि क्वेश्चन जो है आपके, आप मिनिमम मांग के चले कि 55 क्वेश्चन आपके आपको यहाँ राजस्थान के मिलने वाले हैं, जो कि मिनिमम 55 क्वेश्चन बोलूंगा मैं, और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। और 2017 में कोई एग्जाम नहीं हुआ, और 18 में भी कुछ कुछ इसी तरीके का मिला जुला आपको प्रारूप देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि हम जो है किस तरीके से, क्योंकि मैं अब आगे की तरफ आपको आरएएस से रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं उनकी उनको पढ़ाने वाला हूं, तो मैं पूरे के पूरे चैप्टर्स जो हैं
वो आपको क्वेश्चन बेस्ड पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों अब मैं सबसे पहले आपसे राजस्थान के स्थिति के बारे में, भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करता हूं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सबसे यहाँ पे ऊपर की तरफ गंगानगर जो है, यहाँ से लेकर श्री गंगानगर से लेकर नीचे बांसवाड़ा है, यहाँ तक का इसका क्षेत्र है, जो कि अक्षांश यहाँ पे 23.3, ठीक है ना, 23 डिग्री से लेकर यहाँ 233, इसको आप याद कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ जो है श्रीगंगानगर तक, इसका अक्षांश आता है 30.12, 30 डिग्री 12 मिनट। और इसका नाम देख लेते हैं, तो उत्तरी भाग जो है वो कोणा है, गांव है यहाँ पे श्रीगंगानगर का कोणा, और नीचे की तरफ बांसवाड़ा का नीचे वाला भाग है बोरकुंडा, बोरकुंडा ये इसका नाम रखा गया है। नाम है ये उत्तरी और दक्षिणी किनारे हैं, और हम अक्षांश भी यहाँ देख सकते हैं। फिर हम देशांतर की बात करते हैं, तो जैसलमेर से लेकर और भरतपुर तक इसका एरिया जो बांटा गया है, उसमें 69 69, याद हो जाएगा, 69.30, 69 डिग्री 30 मिनट, और इसका विस्तार है 78 मिनट, और 78 डिग्री 17 मिनट, ये हमारा यहाँ तक का विस्तार है। और इसका ये यहाँ कटारा स्थान है, कटारा सम जो है ना, सम एरिया, जहाँ पे एकदम मरुस्थलीय भूभाग है, वहाँ पे कटारा जो है इसका यहाँ पे पश्चिमी भाग बोलेंगे, और पूर्वी भाग जो है धौलपुर का, जिसको बोलते हैं हम सिलाना, क्या बोलेंगे, सिलाना। तो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि एक तो इसका अक्षांश उत्तर से दक्षिण जो हमने देख लिया 233 से ऊपर की तरफ 30 डिग्री 12 मिनट, और पूर्वी भाग से पश्चिम भाग से पूर्वी भाग की तक तरफ का विस्तार 69 डिग्री 31 मिनट, और 70 डिग्री 17 मिनट। और ये है इसके गांव, जो कि कोना से लेकर बोरकुंडा और कटारा से लेकर सिलाना तक के। अब इसके हम पूर्ण क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं, तो पूर्ण क्षेत्रफल जो है इसका राजस्थान का, वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना इसका राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अब इसके बाद में देखें कि इसका ये वाला जो सीमा है राजस्थान का, वो पाकिस्तान से लगा हुआ है, तो इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा वो किस कौन कौन से जिले हैं, एक है गंगानगर, एक है बीकानेर, एक है जैसलमेर, एक है बाड़मेर। तो हमारे पास में चार जिले आ गए हैं यहाँ पे, तो जो कि पाकिस्तान से लगते हैं। उनका है 1,070 किलोमीटर, इनका जितना क्षेत्र है वो है 1,070 किलोमीटर। और जो अदर क्षेत्र है, जो अंतरराज्यीय सीमा जिसको बोल सकते हैं हम, वो ये वाला सीमा आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे जैसे पंजाब है, इससे टच हो रहे हैं दो जिले, फिर हरियाणा है, हरियाणा से हमारे कितने जिले टच हो रहे हैं आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, जैसे हनुमानगढ़ हुआ, फिर यहाँ पे चूरू हुआ, झुंझुनू हुआ, अलवर हुआ, फिर भरतपुर हुआ, तो ये हमारे कितने जिले इससे टच हो रहे हैं टोटल, वो है 8 जिले। फिर उत्तर प्रदेश, उत्तर यूपी, यूपी से हमारे कितने जिले टच हो रहे हैं, केवल भरतपुर और धौलपुर, तो 2 जिले। और एक ऐसा जिला जो कि एमपी और यूपी दोनों से टच है, वो होता है आपका धौलपुर। इस बात का ध्यान रखिएगा थोड़ा कि धौलपुर जिला दोनों से टच हो रहा है, यहाँ पे एमपी से भी हो रहा है और यहाँ पे यूपी से भी हो रहा है। उसके बाद में टोटल कितने जिले आएंगे, जैसे धौलपुर हो गया, फिर करौली हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, फिर उसके बाद में देखिए कोटा, इस जगह से कोटा लगा हुआ है, फिर 12 12 डिस्ट्रिक्ट जो कि जिला है हमारे यहाँ पे, फिर झालावाड़ हुआ, कोटा हुआ, और छत्तीसगढ़ का कुछ पार्ट हुआ। और इस तरीके से एमपी के अंदर सबसे ज्यादा, मैक्सिमम 10 जिले जो है ना राजस्थान के, वो जुड़े हुए हैं।
और लास्ट आता है गुजरात। गुजरात, गुजरात से कितने जिले हमारे जुड़े हुए हैं यहाँ पे देख सकते हैं। बाड़मेर हो गया, थोड़ा सा बाड़मेर जुड़ा हुआ है, फिर जालौर हो गया, सीकर हो गया, और सॉरी सिरोही हो गया, उदयपुर हो गया। तो ये टोटल जिले हैं, वो है छः, छः जिले। तो सबसे ज्यादा जिले कौन से थे? एमपी से, जो कि 10 हैं, और सबसे कम जो हैं दो पंजाब से और यूपी से, दो दो। अब इनकी टोटल सीमा अगर हम देखें तो कितने किलोमीटर से ये सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, वो है 4,851 किलोमीटर। इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 1,070 था, यहाँ पे 4,851 है, और टोटल जो है 5,920 किलोमीटर की सीमा ये कुल बना रही है। ठीक है, अब जैसा कि राजस्थान है, वो अपने भारत देश का बिगेस्ट स्टेट बोलते हैं इसको, सबसे बड़ा स्टेट है। 2000 के अंदर एमपी से जब जो छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उसके बाद में ये सबसे बड़ा जिला है। तो इसका क्षेत्रफल पूरे देश का कितना प्रतिशत है? 10.41%। ये याद रखिएगा, 10.41% कवर करता है राजस्थान पूरे देश की सीमा का। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण सीमा राजस्थान का, जो कि कोणा से बोरकुंडा, आपको अभी भी मैंने बोला था बोरकुंडा, यहां तक का जो टोटल लेंथ है, लंबाई, वो कितनी है? तो ये है 826 किलोमीटर। ध्यान देने की बात है, 826 किलोमीटर है। और इन दोनों के बीच में कटरा, कटरा से लेकर सिलाना, ये स्थान है, सिलाना गांव है धौलपुर का, इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है, ये भी याद रखने की चीज है, 869। अब मैं एक चीज आपको याद करा दूं, अक्षर देशांतर के अंदर 69 से यहाँ पे देशांतर चालू हो रहा था, और 69 ही यहाँ पर किलोमीटर है। तो 69 69 बहुत ही जल्दी आपको याद हो जाएगा, बहुत अच्छे से। और जो यहाँ पे है वो आप ऐड कर लीजिएगा, लगभग कितना किलोमीटर होगा, 8.47 लगभग होता है, 8 डिग्री 47 मिनट और 78.17। ठीक है, तो ये वाला क्षेत्र 826 है उत्तर से दक्षिण तक, और पूर्व से पश्चिम का क्षेत्र है 869। अब करते हैं राजस्थान का, जैसे कि भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे हम इस तरीके से जो है अरावली पर्वतमाला यहाँ से गुजरती है, यहाँ से लेकर इस तरीके से बोल सकते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे अरावली पर्वतमाला गुजरती है, और यही कारण है कि इस क्षेत्र में बारिश नहीं होती। क्या होता है कि मानसून जब उठता है तो यहाँ पहले तो पश्चिमी घाट से होता हुआ वो आगे की तरफ बढ़ता है, और ये जो पर्वत श्रृंखला है वो मानसून के आड़े नहीं आती, बल्कि इसको सीधे आगे की तरफ भेज देती है। इसका मतलब है, अगर ये मानसून की इस तरीके की प्रवृत्ति होती अगर अरावली की, तो ये बारिश यहाँ पे हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं है, और ये वाला जो है इसके समानांतर पड़ने के चक्कर में यहाँ पे बारिश नहीं होती है। तो एक क्वेश्चन होता है कि बारिश का मुख्य कारण क्या है कि ये बारिश नहीं होती है, अरावली पर्वत श्रृंखला इसके समानांतर पड़ती है मानसून के, और हमारे पश्चिमी भाग जो है वो मरुस्थलीय भाग है, जिसको कि थार का मरुस्थल कहा जाता है। अब बात करते हैं राजस्थान की, हम अंतरराष्ट्रीय सीमा की जो कि 1,070 किलोमीटर लंबी है। इसके अंदर इस सीमा के सबसे पास स्थित शहर कौन सा है? वो है आपका श्री गंगानगर, श्री सॉरी गंगानगर, गंगानगर नियरेस्ट है यहाँ पे। और सबसे दूर कौन सा शहर स्थित है? वो है बीकानेर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे। और अब हम बात करें कि सबसे ज्यादा सीमा कौन से राज्य की मिल रही है पाकिस्तान से, वो है जैसलमेर, जैसा कि हम मैप में देख सकते हैं। और सबसे कम सीमा कौन सी राज्य की मिल रही है? देखो यहाँ पे हमें बहुत लंबा है, इसलिए केवल और केवल ये जो बीकानेर है उसकी सीमा यहाँ सबसे कम मिल रही है पाकिस्तान से। अब अंतरराज्यीय की बात करें तो अंतरराज्यीय में हमें दिख रहा होगा कि ये जो झालावाड़ है, ये एक तरह से पूरा का पूरा एमपी से मिला हुआ है सीमा, और सबसे ज्यादा मैक्सिमम सीमा इससे मिलती है। जबकि हमारा बाड़मेर, बाड़मेर को आप एक छोटे से हिस्से को देखोगे, ये हिस्सा केवल गुजरात से मिलता है, जो कि सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा शेयर करता है। यहाँ टोटल
चार जिले और यहाँ पे 23 जिले हैं, जो चार जिले अंतरराष्ट्रीय और यहाँ 23 जिले अंतरराज्यीय से।